नमस्कार, होम डेकोरेटर्स देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज हम होली से रिलेटेड डेकोरेशन देखेंगे। मैंने लिविंग रूम में एक कॉर्नर को होली रिलेटेड कॉर्नर तैयार किया हुआ है, होली का डेकोरेशन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक कॉर्नर दिखा रही हूँ, और ये कॉर्नर में मैंने कुछ होली डेकोरेशन किया हुआ है। और भगवान कृष्ण के बिना होली पूरी नहीं हो पाती है यहाँ पर, इसलिए मैंने कृष्ण जी की एक मूर्ति रखी हुई है। और उनके सामने जो है चार कलर रखे हुए हैं। और इस तरह से कुछ मैंने प्लांट्स रखे हैं डेकोरेशन के लिए। और एक मेरा ये हैंडमेड लैम्प है, वो मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो साइड में मैंने दो बड़े बड़े समई रखी हुई है। और यहाँ पर है सामने एक का कलश है, और उसमें से मैंने इस तरह से मतलब रंग नीचे गिर रहे है इस तरह से दिखाया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने कपड़ा यूज़ किया हुआ है ग्रीन कलर का। और इस तरह से यहाँ मोरपंख रखे हुए हैं। और ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये जो हाथ के जो पंजे हैं वो कलरफुल बनाए हुए हैं। एक पेपर पे बना के मैंने इस पर दीवार के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक आता है, होली का लुक आ जाता है। और यहाँ पर एक है मेरा प्लांटर, टायर प्लांटर है, इसका वीडियो जरूर आएगा। और उसमें मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इस प्लांटर में से मैंने कुछ रंग गिर रहे हैं नीचे इस तरह से दिखाया हुआ है। उसके लिए मैंने काफ़ी सारी चुन्नियों का यूज़ किया है कलरफुल, ताकि जो होली का त्यौहार है कलरफुल लगना चाहिए, इसलिए मैंने चुन्नियों का अलग अलग कलर की चुन्नियों का यूज़ किया हुआ है। और इस तरह से ये जो डेकोरेशन है मेरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। इस तरह से होली के त्यौहार को आप आपके घर में ही मना सकते हैं, और छोटा सा डेकोरेशन हम हमारे घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।